सीसी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज प्लस वन का नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल। सबसे पहले तो बच्चों हमें ये सीखना अकाउंटिंग प्रिंसिपल होते क्या है, इसको किसने बनाया, आइए बस इसकी क्या जरूरत पड़ी। अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होते हैं? अकाउंटिंग प्रिंसिपल आईसीएआई ने इश्यू किए थे। किसने? आईसीएआई ने इश्यू किए थे। इसने क्या है, नॉर्मली कुछ रूल्स बना दिए जिनको हमने क्या बोल दिया, गेप बोल दिया। गेप की फुल फॉर्म क्या है? जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। आगे बात जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अच्छा, इनकी क्या जरूरत पड़ी? जैसे एग्जांपल ले लेता हूं मैं, मान लो राम और श्याम पार्टनर, पूरा बिजनेस श्याम ही संभालता है, श्याम ही अकाउंट्स वगैरह मेंटेनेंस करता है। आगे बस, अब हम राम को कैसे विश्वास हो भाई जो श्याम ने रिकॉर्ड कर रखा वो सही है। आगे बस, यदि श्याम से पूछेगा तो इसने जो रिकॉर्ड कर रखा वही बताएगा ये, और इसने हो सकता है गड़बड़ी कर रखी हो, 200 रुपए की सेल करके 150 रुपए दिखा दिया हो, 200 रुपए परचेज की हो वो 300 रुपए दिखा दिया हो, कोई इसके पास सबूत तो नहीं है। इसलिए क्या है कि ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही थी। फिर इनके अकाउंट जांच करने में, जांच भी कैसे करें, कुछ रूल रेगुलेशन भी तो नहीं है। इसलिए क्या काम किया, आईसीएआई ने कुछ रूल्स बना दिए भाई सभी को, क्या है इन रूल्स के अकॉर्डिंग आपको अकाउंट मेंटेनेंस करने हैं, अकाउंट तैयार करने हैं, ठीक है। अब कोई भी बंदा श्याम के अकाउंट की जांच करेगा, ये रूल्स के अकॉर्डिंग जांच करेगा भाई, रूल्स के अकॉर्डिंग इसने कर रखे या नहीं कर रखे। यदि नहीं कर रखे तो अकाउंट का गलत है, यदि सही कर रखे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे बात सुनने, इसलिए हमने क्या है कुछ रूल्स बना दिए। आगे बात सुनने, ताकि किसी के साथ धोखाधड़ी न हो, बेईमानी न हो, आगे बात सुनने, और आसानी से जांच कर सके। आगे बात सुनने, इंडियन लेवल पे हमने क्या बना दिया, गेप नाम के कुछ रूल्स बना दिए। किसने बनाए? आईसीएआई ने। इसका हेड ऑफिस कहाँ है? दिल्ली में है। आगे बात सुनने, इतना क्लियर है। अच्छा, अब इन रूल्स की हम पढ़ेंगे कुछ विशेषता, नेचर या विशेषता। इन रूल्स के नेचर क्या है, विशेषता क्या है, नेचर या विशेषता, क्या विशेषता है? नंबर एक तो क्या है, यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म मतलब एक समान है सभी के लिए, रूल्स क्या है एक समान है, यूनिफॉर्म है। आगे बात सुन, जिसको हम आसानी से क्या है समझ सकते हैं, नियम क्या है एक समान है, ये हमें क्या देते हैं, गाइडलाइंस देते हैं। गाइडलाइंस हमें दिशा निर्देश देते हैं, और दिशा निर्देश कैसा, एक समान देते हैं, मतलब एक समान है। आगे बात, मतलब सबके लिए बराबर है, चाहे सीए हो, चाहे अकाउंटेंट हो, चाहे फर्म हो, चाहे कंपनी हो, सभी के लिए इक्वल रूल है। अच्छा, दूसरा ये मैन मेड है, क्या है, मैन मेड, मनुष्य के द्वारा बनाए हुए हैं। ये कैसे है, मनुष्य के द्वारा बनाए हुए हैं, ये कोई लेबोरेटरी में टेस्ट वगैरह करके नहीं बनाए हुए। आगे बात सुन, और ये स्टैटिक्स नहीं है, नॉट स्टैटिक्स, नॉट स्टैटिक्स, हम जब चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं, नॉट स्टैटिक्स, हम जब चाहें इसको चेंज कर सकते हैं। आगे बात सुन, और ये क्या है, हम जब चाहे इसको चेंज कर सकते हैं। और हमारे अकाउंटिंग रूल्स में तीन चीजें और होनी चाहिए, क्या क्या, रिवलेंस। अच्छा, रिवलेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं, अनुरूपता, ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, और तीसरा क्या होना चाहिए, तीसरा फेसिबिलिटी, फेसिबिलिटी। अच्छा, रिवलेंस को हिंदी में क्या बोलेंगे, अनुरूपता, अनुरूपता, ऑब्जेक्टिव को हिंदी में क्या बोलेंगे हम, निरपेक्षता, निरपेक्षता, और फ्लेक्सिबिलिटी को हिंदी में क्या बोलेंगे हम, व्यवहारिकता। इतनी बात क्लियर है। सबसे पहले अनुरूपता, अनुरूपता मतलब क्या है,
भाई हमारे पास ऐसी सूचना होनी चाहिए जो अनुरूप हो, जो चीज हमें चाहिए वो उसके अकॉर्डिंग हो। जैसे हमें अशुद्ध लाभ या अशुद्ध हानि जानना है, अशुद्ध लाभ या हानि जानना है, इसके लिए हमें कौन सा अकाउंट बनाएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। सिंपल सी बात है, कौन सा अकाउंट बनाएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट। यदि हमें अशुद्ध के बजाय शुद्ध लाभ या हानि जानना है तो कौन सा अकाउंट बनाएंगे? सीधी सी बात है, पेंडल अकाउंट बनाएंगे। कौन सा? पेंडल अकाउंट। अच्छा, हमें किसी फर्म की वित्तीय स्थिति जाननी है, फाइनेंशियल पोजिशन जाननी है, क्या जाननी है? फाइनेंशियल पोजिशन जाननी है, उसके लिए हम कौन सा स्टेटमेंट बनाएंगे? बैलेंस शीट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? बैलेंस शीट। तो मतलब रिवलेंस, अनुरूपता, मतलब जो चीज चाहिए उसी के अनुरूप हम कोई अकाउंट तैयार करेंगे। आगे बस इसको बोलते हैं अनुरूपता। ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव में क्या है कहा, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जो हमने रिकॉर्ड कर रखा है वो हमारे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, रिकॉर्ड कर रखा वो। दूसरी बात, ऐसा रिकॉर्ड होना चाहिए ताकि जांच करो तो जांच हो सके, हिंदी इंग्लिश में बोले तो वेरिफिकेशन हो सके, मतलब हम वेरिफिकेशन करवाएं तो वेरिफिकेशन हो जानी चाहिए, मतलब आप उचित प्रमाणक लगाकर रिकॉर्ड करोगे। आगे बस मतलब सबूत के द्वारा रिकॉर्ड करोगे। फ्लेक्सिबिलिटी व्यवहारिक में क्या आता है, कोई भी सिद्धांत व्यवहारिक तब माना जाएगा जब आसानी से बिना अनावश्यक व्यय के रिकॉर्ड करते हो, मतलब कम टाइम में और कम कॉस्ट में आप उसको तैयार करते हो, उसको क्या बोलते हैं? व्यवहारिक बोलते हैं। आगे बस उसको क्या बोलेंगे हम? व्यवहारिक। तो नेचर या करेक्टरिस्टिक्स में हमने क्या पढ़ा, ये सभी के लिए यूनिफॉर्म है, मेल मेड है, कोई लेबोरेटरी में टेस्ट किया हुआ नहीं है, मनुष्य के द्वारा बनाए हुए, ये कोई स्टेटिक्स नहीं है, इसको चेंज कर सकते हैं। अच्छा, और इसमें क्या होना चाहिए? अनुरूपता होनी चाहिए, निरपेक्षता होनी चाहिए, व्यवहारिक होनी चाहिए। अनुरूपता जो हमारे ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, तीसरा ऑब्जेक्ट सॉरी दूसरा ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव मतलब ऐसा रिकॉर्ड होना चाहिए ताकि वेरिफिकेशन या जांच करो जांच हो सके। व्यवहारिकता मतलब अपने व्यवहार के अकॉर्डिंग, मतलब कम खर्चे में कम समय में तैयार किया हुआ होना चाहिए। आगे बात सुन, ये तो थे हमारे सिद्धांत की कुछ विशेषता। अब हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल कितने प्रकार के होते हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग प्रिंसिपल कितने टाइप्स के होते हैं, इनके बारे में चर्चा करेंगे। अकाउंटिंग प्रिंसिपल बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल दो कौन कौन सी, एक तो जो हम बोलते हैं अजप्शन, यह कौन सा अजप्शन, अजप्शन हिंदी में क्या बोलते हैं? अवधारण। दूसरा है हमारा अकाउंटिंग कन्वेंशंस, कन्वेंशंस अकाउंटिंग कन्वेंशंस, कन्वेंशंस को हिंदी में क्या बोलेंगे? प्री पार्टियां, प्री पार्टियां। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? अवधारणा। अवधारणा क्या होती है, जैसे यदि मैं सिंपल भाषा में बात करूं तो जैसे समाज में हमारी नहीं होती क्या, समाज के लिए सोशल समाज के जो रीति रिवाज वगैरह होती है, उसी प्रकार से ये भी हमारी क्या है, कुछ अवधारणा है, बिजनेस में हमारी अकाउंट में कुछ अवधारणा है। ये बेसिकली तो तीन प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी? एक तो गोइंग कॉन्सर्न, गोइंग कॉन्सर्न कॉन्सेप्ट्स, दूसरा एक्चुअल कॉन्सेप्ट, एक्चुअल कॉन्सेप्ट अजप्शन, और तीसरा कॉन्टिजेंसी कॉन्सेप्ट, कॉन्टिजेंसी कॉन्सेप्ट। आई बस अजप्शन मेन मुख्य कितनी है? तीन है हमारे, एक तो गोइंग कॉन्सर्न, दूसरा एक्चुअल, तीसरा कॉन्टिजेंसी। सबसे पहले गोइंग कॉन्सर्न कॉन्सेप्ट, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? हिंदी में बोलेंगे चालू स्थिति की अवधारणा, हिंदी में क्या बोलेंगे? चालू स्थिति की अवधारणा। और एक्चुअल को क्या बोलेंगे? एक्चुअल को बोलेंगे हम उपार्जन की अवधारणा, उपार्जन की
अवदान, और कॉन्टीजेंसी को क्या बोलेंगे हम, एक रूपता के अवदान, एक रूपता की अवदान। जैसे चालू कॉन्सर्न, गोइंग कॉन्सर्न में हम क्या सोचते हैं, जब भी हम कोई बिजनेस करते, जैसे हम खुद करते बिजनेस, हम क्या सोचते हैं हमारा बिजनेस लॉन्ग टर्म तक चले, कई सालों तक चले, कई पीढ़ियों तक चले। यही बात यहाँ पे है, कोई भी बंदा बिजनेस स्टार्ट करता है, अपना बिजनेस ओपन करता है, तो वो ये सोचता है अपना बिजनेस लंबे टाइम तक चले। इसको क्या बोलते हैं हम, गोइंग कॉन्सर्न कॉन्सेप्ट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हमें, गोइंग कॉन्सर्न कॉन्सेप्ट बोलते हैं। प्रत्येक कोई बंदा ये चाहता है भाई लंबे टाइम तक चले, और इसमें जो भी परचेज करते हैं मशीनरी वगैरह या फिक्स एसेट्स वगैरह, तो उसको जो जिस प्राइस पे हम खरीदते हैं उसी प्रकार प्राइस पे हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, ओरिजिनल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं। जैसे जैसे मशीनरी को यूज करते हैं उसकी वैल्यू कम होती है, तो उसको वैल्यू कम करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, डेप्रिसिएशन का यूज करते हैं। डेप्रिसिएशन क्या होता है, जिसका यूज करने से या किसी का प्रचलन होने से या टेक्नोलॉजी चेंज होने के कारण किसी की वैल्यू कम हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं हमें, डेप्रिसिएशन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं हमें, डेप्रिसिएशन बोलते हैं। उसके बाद है एक्यूरल कॉन्सेप्ट, उपार्जन की अवधारणा। उसके बाद है हमारा अपार्जन की अवधारणा। इसके अंदर क्या होता है, उपार्जन की अवधारणा के अंदर जो हम रिकॉर्ड करते नहीं, वो दो बेसिस पे करते हैं। एक तो करते हैं केस बेसिस पे, एक तो किस पे करते हैं, केस बेसिस पे, दूसरा करते हैं एक्यूरल बेसिस पे। आगे बस, केस बेसिस में तो ओनली वही ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड करेंगे जो नगद खरीदा है या बेचा है, नगद है, खरीदा है या आपने बेचा है, उधार वाले की कोई एंट्री नहीं करते, उधार वाले की कोई एंट्री नहीं करते। आगे बात सुनने, जब आप नगद वाले ही करते, उधार वाले छोड़ देते हो, तो क्या एक साल का एक्यूरेट आपको प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा, आपका नहीं आएगा। हमें क्या है, एक्यूरल बेसिस में वो करते जो सारी उधार की ट्रांजेक्शन होती है उनका रिकॉर्ड करते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, एक्यूरल बेसिस। आगे बात सुनने, हम क्या करते हैं, कोई भी रिकॉर्ड करते हैं, जैसे मान लो अकाउंटिंग ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, मैं मान लेता हूं अभी का 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024, हमें इसका नेट प्रॉफिट निकालना है। नेट प्रॉफिट निकालने के लिए यदि मैंने केस बेसिस किया तो उधार वाले तो छूट गई, एक्यूरेट प्रॉफिट आ जाएगा, हमारा नहीं आएगा। इसलिए मैं क्या करूंगा, उधार वाले और नगद वाले दोनों का ही रिकॉर्ड करूंगा। आगे बात में, जो एक्यूरल बेसिस है उनको भी मैं ध्यान दूंगा। आगे बात में, उनको ध्यान देकर मुझे क्या निकालना है, नेट प्रॉफिट निकालना है। आगे बात में, उनका भी मैं ट्रीटमेंट करूंगा। आगे बात में, उनका ट्रीटमेंट करके और मैं क्या निकालूंगा, नेट प्रॉफिट निकालूंगा। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एक्यूरल कॉन्सेप्ट। आगे बात में, जिसमें क्या है, हमें एक्यूरेट प्रॉफिट या लॉस या फाइनल मतलब एक्यूरेट पोजिशन जाननी है, तो हम एक्यूरल बेसिस को भी, हम एक्यूरल कॉन्सेप्ट को भी नहीं छोड़ सकते। अच्छा, कॉन्टीजेंसी एक रूपता क्या होता है, मतलब इसमें ये कहता है आप अकाउंट रिकॉर्ड कर रहे हो, मेंटेनेंस कर रहे हो, अकाउंट रिकॉर्ड कर रहे हो, ठीक है, तो आपको जो शुरुआत में मेथड यूज कर रहे हो, जो शुरुआत से ही मेथड यूज कर रहे हो, हर साल बार बार वही मेथड यूज करना है। अच्छा, इससे क्या बेनिफिट होगा, इससे बेनिफिट ये होगा आप एक दूसरे से तुलना कर सकते हो अपने ही अकाउंट्स की। अच्छा, दूसरी, आप जैसा बिजनेस कर रही है उस फर्म से आप अपने अकाउंट्स की तुलना कर रहे हो। अच्छा, अब इससे ये आते हैं भाई, आपको समझ में क्या है, हम कंपैरिजन या तुलना क्यों करें। मान लो एग्जांपल, जैसे मान लो 2022 में आपको 1 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ था, लेकिन 23 में क्या है, आपको ओनली 50 लाख का ही प्रॉफिट हुआ है। आई बस में, अब आप तुलना करोगे या नहीं करोगे, भाई यहाँ पे तो 1 करोड़ रुपए प्रॉफिट था, यहाँ पे 50 लाख ही कैसे हुआ, भाई हमने एक्सपेंस ज्यादा कर दिया या सेल कम हुई या और कुछ दिक्कत होगी। आगे बस हम क्या है, एक दूसरे से तुलना करेंगे, और एक दूसरे से तुलना करेंगे तो आपका अकाउंट तभी तुलना कर सकते हो जब आपने पीछे से कंटिन्यू एक ही मेथड आप यूज कर रहे हो अकाउंट बनाने के लिए। आगे बस क्लियर है, इसमें कुछ पूछना तो बताओ। अजप्शन में हमने क्या पढ़ा था, अकाउंटिंग प्रिंसिपल दो प्रकार के होते हैं, एक तो अजप्शन होते हैं, अवधारणा अवधारणा मैंने बताई थी, जैसे हमारी रीति रिवाज की अवधारणा नहीं क्या, उसी प्रकार से अकाउंटिंग भी कुछ अवधारणा है, अकाउंटिंग की भी कौन कौन सी है, गोइंग कॉन्सर्न, दूसरा एक्यूरल कॉन्सेप्ट, और तीसरा कॉन्टीजेंसी कॉन्सेप्ट। ये तो थी इसकी मेन मुख्य, उसके बाद अदर भी कुछ वस्तुएं साथ वो कल करेंगे।
उसके बाद इसमें है कन्वेंशन, कन्वेंशन मतलब त्रिपाठियां, ये हमारी थ्री टाइप्स की होती है, वो हम आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, ऑल द बेस्ट।